हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू टुडे ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास. टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 13. द नेम इज अ टॉपिक DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो स्टूडेंट, जो रिमेनिंग पार्ट था, हमने ER डायग्राम पढ़ा था, जो इसके डेटाबेस के जो मॉडल थे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो मॉडल थे वो हमने पढ़े थे, रिलेशनल मॉडल, ER मॉडल. तो उसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट नाउ. तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, और अब हम स्टार्ट करते हैं ER मॉडल एंड ER डायग्राम. तो ER मॉडल जो हमने पढ़ा था, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था लास्ट वीडियो में, तो उससे देखकर आपको थोड़ा ये पता लग रहा होगा कि कौन सी शेप से क्या, कौन से रिलेशंस क्या है, एंटिटी क्या है, रेक्टेंगल्स, इनका यूज़ क्यों किया जाता है. तो ER मॉडल क्या होता है? एंटिटी ये रिलेशनशिप मॉडल इज पॉपुलर कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल. तो ये किस टाइप का मॉडल है? कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है. अब डेटा मॉडल, जो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है, उसके लिए मॉडल डिस्क्राइब डेटा स्टोर एंड कॉन्स्टेंट ओवर द डेटा. यानी कि इसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं तो कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं. कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? प्रतिबंध, जैसे कि प्राइमरी की है, यूनिक है, इन सब का यूज किया जाता है. ER मॉडल व्यूज द रियल वर्ल्ड एज ए कलेक्शन ऑफ एंटिटीज एंड रिलेशनशिप अमोंग एंटिटीज. तो ER मॉडल किसका कलेक्शन है? एंटिटीज का और रिलेशनशिप का एक कॉम्बिनेशन है, एक कलेक्शन है. अब एंटिटी क्या है? एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट. एंटिटी क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अंडरलाइन कर लेना, नोट्स में लिख लेना. एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट इन रियल वर्ल्ड दैट कैन बी डिफरेंशिएबल फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट. ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है वास्तविक सांसारिक वर्ल्ड का, एक जो भी नेम है. ऑब्जेक्ट मतलब आप दुनिया में कोई भी किसी भी नेम जो कि है, रियल में है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट. और उसी को हम बोलते हैं एंटिटी, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होती है. नेक्स्ट, ER डायग्राम. इट इज ए बेसिकली ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन. ER डायग्राम क्या है? एक ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. तो ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है, और जिसके अंदर जो लॉजिक, जो ओवरऑल लॉजिक स्ट्रक्चर होता है, वो डेटाबेस का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है. द मेन कंपोनेंट ऑफ डायग्राम. इसके अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट होंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं एंटिटी की. तो एंटिटी है, एंटिटी या एंटिटी सेट के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं, जो कि ये शेप है, रेक्टेंगल शेप का यूज किया जाता है. दूसरा है एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट के लिए हम यूज करेंगे इक्लिप्स का, और रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता है डायमंड शेप का, जो एंटिटीज के मध्य, एंटिटीज बिटवीन टू एंटिटीज, ये भी इसमें रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट यूज करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट, इसके बाद में देखिए डबल इक्लिप्स. अगर आपको ये शेप, इससे पहले एक और है, ये एरो का साइन. एरो का साइन होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है? एंटिटी सेट, एंटिटी सेट्स के रिलेशनशिप सेट को रिप्रेजेंट करता है, एक दूसरे को लिंक को. कोई भी एंटिटी या फिर एट्रीब्यूट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके लिंक को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट है डबल इक्लिप्स. अगर ये शेप हमें मिलती है तो ये होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. बाद में नेक्स्ट इसी वीडियो में हम इनके एग्जांपल भी देखेंगे. डबल इक्लिप्स किसको रिप्रेजेंट करता है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को. ये रिप्रेजेंट ड्राइव्ड एट्रीब्यूट अगर डोटेड डोटेड बना के
वो इक्लिप्स में दिखाई देता है तो वो डेस्ट इक्लिप्स होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट को। नेक्स्ट है डबल लाइंस, टोटल पार्टिसिपेट। ये अगर डबल लाइन यहाँ पर कोई ये एंटिटी है, ये रिलेशनशिप है, तो इन दोनों के बीच में अगर डबल लाइन है तो ये टोटल पार्टिसिपेशंस यानी ये एक दूसरे पे डिपेंड है, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है। अगर यहाँ पे डबल रेक्टेंगल है तो ये वीक एंटिटी, एक एंटिटी होती है एक वीक एंटिटी होती है, जहाँ पर डबल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाई देता है। इसके बाद में इक्लिप्स विथ लाइन, अगर कोई भी इक्लिप्स है उसके बीच में लाइन है तो वो प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करता है, और डबल डायमंड शेप है तो वो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप फॉर वीक एंटिटी सेट। तो ये एक रिलेशनशिप है किसका, वीक एंटिटी के बीच में। अब हम बात करते हैं एंटिटी, तो एंटिटी क्या होती है, तो एंटिटी की हम बात कर चुके हैं, एंटिटी की मैं बता चुका हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो रियल वर्ल्ड दैट इज डिस्कनाइजेबल फॉर द ऑल अदर ऑब्जेक्ट क्लास। जैसे कोई क्लास है तो रियल में है, होती है रियल में, तो वो एंटिटी। ए टीचर रियल में होता है तो एंटिटी। द एड्रेस ऑफ द टीचर, ए स्टूडेंट, ए सब्जेक्ट, ये सारी क्या है, एंटिटीज। एंटिटी सेट क्या होता है, एन एंटिटी सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। एक जैसे ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है उसको हम एंटिटी कहते हैं, सेम टाइप के होने चाहिए। एंटिटी सेट वैल्यूज एट्रीब्यूट आर यूज टू डिस्क्राइब एन एंटिटी फ्रॉम अनदर ऑफ सेम टाइप। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटी सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन ER डायग्राम। ER डायग्राम में एंटिटी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन ER डायग्राम। ER डायग्राम का मैंने इस लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। नेक्स्ट अब देखिए ER डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है एक एंटिटी है क्योंकि इसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया गया है, तो जिसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाएगा वो एंटिटी होती है। और ये जो इक्लिप्स हैं, ये सेम इक्लिप्स जो शेप होती है उसके अंदर एट्रीब्यूट, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट यानी स्टूडेंट एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, रोल नंबर। एक स्टूडेंट के क्या हो सकते हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, उसकी एज, फोन नंबर, तो उनकी सारी डिटेल्स उसके क्या हो सकते हैं, ये एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट इसकी करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। रोल नंबर, स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट टेबल में जैसे अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप डेटा की, तो यहाँ पर हम एक स्टूडेंट टेबल बनाते हैं, और स्टूडेंट टेबल में पहली जो अपनी कॉलम होगा वो रोल नंबर का हो सकता है, दूसरा कॉलम स्टूडेंट नेम, तीसरा कॉलम एज, और चौथा कॉलम फोन नंबर। तो ये जो आप जो कॉलम के लिए यूज करते हैं ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं, और स्टूडेंट जो टेबल नेम होती है यानी उसको रिलेशन होती है वो एक एंटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट की बात की है, तो यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट भी हमें मिलते हैं। जैसे एट्रीब्यूट कुछ सिंपल एट्रीब्यूट होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। एट्रीब्यूट होता है आर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज, एंटिटी के जो प्रॉपर्टी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। एंड रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं लाइक एट्रीब्यूट ऑफ टपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट कैन बी फॉलोइंग टाइप्स, जो एट्रीब्यूट्स के जो टाइप्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एट्रीब्यूट की। तो सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है कि सिंपल दिस काइंड ऑफ एट्रीब्यूट कंटेन्स ए सिंगल वैल्यू, एग्जांपल ऑफ अबव स्टूडेंट एंटिटी रोल नंबर, यानी कि जब एक एंटिटी का एक सिंगल वैल्यू ही रखती है, जैसे काइंड ऑफ एट्रीब्यूट कंटेन ए सिंगल वैल्यू, एक ही सिंगल वैल्यू होती है, जैसे कि स्टूडेंट एंटिटी रोल, यानी कि एक स्टूडेंट के एक ही रोल नंबर होता है, तो दैट इज सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट कंपोजिट एट्रीब्यूट, दिस काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स कंटेन्स सेवरल कंपोनेंट्स,
एस नेम, स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट कंटेन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, और एक स्टूडेंट का जो नेम होता है उस नेम के कई उप सरनेम हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, उसको हम नेम को डिवाइड कर सकते हैं सर फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में और लास्ट नेम में। तो यहाँ पर ग्राफिक्स के थ्रू भी यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए एस नेम है, अब एस नेम का फर्स्ट नेम, यानी एस नेम एक खुद एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, यानी इसके कई एट्रीब्यूट हैं, एक एट्रीब्यूट के कई एट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो दैट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। और एक स्टूडेंट उसका एक रोल नंबर, ठीक है, एक स्टूडेंट इसका एक रोल नंबर, तो एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होता है, तो दैट इज सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है इक्लिप्स में, जैसे कि हमें पता है मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड क्या होती है? दिस काइंड ऑफ एट्रीब्यूट कंटेन्स मोर देन वन वैल्यू। फोन एट्रीब्यूट कंटेन मैनी मोबाइल्स नंबर, यानी एक स्टूडेंट के बाद में कॉन्टेक्ट नंबर हैं और वो कॉन्टेक्ट नंबर कई हो सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिक से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्टूडेंट के फोन नंबर हैं वो एक नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है, ये घर का नंबर है, कई नंबर हो सकते हैं एक स्टूडेंट के पास। तो हमें डबल इक्लिप्स का यूज़ करना पड़ेगा, डबल लाइन इक्लिप्स का यूज़ करना पड़ेगा, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ एट्रीब्यूट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट एज कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ एंड द करंट डेट। डिराइव्ड मतलब एक कई बार क्या होता है जैसे एक स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है, तो वैल्यू ऑफ दिस काइंड, तो ये जो वैल्यू होती है क्या किस प्रकार की होती है, जैसे एज किसी स्टूडेंट की एज है, उसको हम अलग अलग डे अलग है, मंथ अलग है, ईयर अलग है, या फ्रॉम डे कम करते हैं कि आज की डेट से वो जो डेट ऑफ बर्थ है उससे कंपेयर करते हैं कि भाई एज कितनी है। तो इस टाइप की जो डेटा होते हैं, इस टाइप के जो एट्रीब्यूट होते हैं, वो होते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ग्राफिक से हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए एज है स्टूडेंट की एज, तो एज को भी हम डोटेड डोटेड डोटेड, देखिए यहाँ पे डोटेड का यूज किया गया है, और डोटेड का यूज करना मतलब यहाँ पर जो ये है डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्यों है? क्योंकि जो आपकी डेट है वो कंप्यूट की जा रही है किससे, डेट ऑफ बर्थ एंड करंट डेट, इन दोनों से यूज की जा रही है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या होता है? जब हम दो एंटिटी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप रखते हैं तो वो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप इज एन, यानी कि दो टेबल हैं उन टेबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है, तो द रिलेशनशिप इज एसोसिएशन अमोंग टू और मोर एंटिटीज, यानी जब एक एंटिटीज दूसरी एंटिटी से जुड़ी हुई है तो वो होता है रिलेशनशिप। द इन्वॉल्व टू एंटिटीज सेट आर कॉल्ड बाइनरी और डिग्री टू रिलेशनशिप। इनको क्या बोलते हैं, बाइनरी भी बोल सकते हैं या फिर डिग्री, बाइनरी रिलेशनशिप या फिर डिग्री टू रिलेशनशिप। सेट ए सेट ऑफ रिलेशनशिप, और कई रिलेशंस का सेट होता है सेम टाइप का, तो उसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप सेट। हियर एडमिशन इन ए रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड क्लास एंटिटी सेट। तो यहां पे आप देख सकते हैं नीचे एक स्टूडेंट एक एंटिटी है और एक क्लास एक एंटिटी है, तो एडमिन यानी कि जो स्कूल है वो क्लास को और स्टूडेंट को जोड़ के रखती है, तो एडमिन क्या हो गया, एक रिलेशनशिप सेट हो गया। और ये इन सब के क्या हैं एट्रीब्यूट, ये यहां इनके सब के क्या हैं एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट अपना कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट ये इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आ सकता है।
तो कांस्टेंट, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंध। जैसे हम कोई टेबल बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि एक टेबल है मान के चलते हैं अपने पास, और इस टेबल में सबसे पहले हमने लिखा स्टूडेंट नाम की टेबल है STU, और यहाँ पर रोल नंबर लिख लेते हैं, रोल नंबर तो 1, 2, 3, 1। देखो यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिखे 1, 2, 3, 1, यानी कि ये जो रोल नंबर है फर्स्ट वाला, ये रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीटेशन, इस डुप्लीकेसी को रोकने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ही आप रोल नंबर दोबारा एंटर करेंगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर अपने आप ही बता देगा कि भाई आप ये जो रोल नंबर है पहले से यूज कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ये होता है कॉन्स्टेंट। यानी जब आप कोई रिपीटेशन डुप्लीकेसी को रोकने के लिए कुछ ऐसे कंडीशंस अप्लाई कर देते हो इस एट्रीब्यूट पर, इस रोल नंबर पर, तो इस रोल नंबर पर हम कुछ कंडीशन शर्त लगा देते हैं कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगी वो यूनिक ही स्टोर होंगी, सेम वैल्यू स्टोर नहीं होंगी, दैट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, जैसे तो कॉन्स्टेंट के टाइप्स हम बाद में करेंगे, कौन कौन से कॉन्स्टेंट होते हैं। तो कॉन्स्टेंट को मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि देखिए, ER मॉडल डिस्क्राइब डेटा टू बी स्टोर एंड ऑल्सो कॉन्स्टेंट ओवर द डेटा। दीज कॉन्स्टेंट आर मैपिंग कोऑर्डिनेटी एंड कॉन्स्टेंट एंड पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्स्टेंट। की कॉन्स्टेंट क्या होता है? तो की कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, स्टूडेंट और रोल नंबर, अगर हम रोल नंबर से नीचे एक यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एट्रीब्यूट है, ये रोल नंबर का जो कॉलम है, इसके ऊपर हमने कुछ शर्त लगा रखे हैं। इस लाइन से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमने कुछ शर्त अप्लाई कर रखी है, कुछ कंडीशंस अप्लाई कर रखी हैं, जिससे हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं, और ना ही कोई रोल नंबर आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस हम अप्लाई करके हम इसको की कॉन्स्टेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहां पे देख रहे हैं क्लास, क्लास के अंदर क्लास का जो नेम होता है उसके नीचे लाइन है, इस एट्रीब्यूट के नीचे एक लाइन है, इट मींस ये की कॉन्स्टेंट है, इस क्लास नेम है, ये यूनिक होगा, ये आप यहां पे इसको वापस यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट की, तो अभी की कॉन्स्टेंट की बात की थी, तो यहाँ पे है कैंडिडेट। नेक्स्ट अपना, सॉरी, इससे पहले है कंपोजिट की। तो स्टूडेंट कंपोजिट की क्या होती है? कंपोजिट, अभी प्राइमरी की बात की थी हमने, की कॉन्स्टेंट की बात की थी, उसमें सबसे पहले आता है कंपोजिट की। तो कंपोजिट की क्या होता है? टू और मोर एट्रीब्यूट, यानी दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट को मिला के आप एक की बनाते हैं, तो वो होता है कंपोजिट की। कई बार टेबल के अंदर क्या होता है, एक से हमें जैसे स्टूडेंट नेम और एड्रेस। अब स्टूडेंट नेम तो एक स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम, एक क्लास के अंदर कई स्टूडेंट के नेम एक जैसे हो सकते हैं और कई एड्रेस एक जैसे हो सकते हैं। तो यहां पे दोनों को मिला के, यानी कि स्टूडेंट नेम और एड्रेस, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट नेम की, तो ये है स्टूडेंट नेम और ये है एड्रेस, और यहाँ पे और कुछ इसके मार्क्स वगैरह हैं। तो स्टूडेंट नेम में जैसे कि कोई ए है, कोई बी है और कोई ए है। अब इस नेम को अकेले को हम की कॉन्स्टेंट नहीं बना सकते, क्योंकि नेम रिपीट हो रहा है, बस एड्रेस है, जैसे कि यहाँ पे बग्गड़, झुंझुनू, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम बना सकते हैं वापस बग्गड़, और ये है पिलाड़ी, जैसे ऐसे मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नेम। अब अकेले नेम को हम बनाएंगे तो यहाँ पे देखो, इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी रिपीट हो रहा है। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, 11, 20, तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर ये पूछा जाए कि भाई 10 किसके नंबर आए,
एके कितने नंबर आए, तो एके 10 नंबर आ रहे हैं और एके 12 भी, यानी जो बग्गड़ से आता है उसके कितने नंबर आए, 10 नंबर आए और 11 नंबर भी आ रहे हैं, ये दोनों भी हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर ये पूछा जाए दोनों से मिलाकर कि ए जो कि बग्गड़ से आता है उसके कितने नंबर आए, तो 10 सीधा आ रहा है, ठीक है। बी जो बग्गड़ से आता है उसके 11 नंबर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं दोनों की को, दोनों को मिलाकर कोई एक की बनाते हैं तो वो होती है आपकी कंपोजिट की, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। फिर आता है कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की क्या होती है, सेम ऐसे ही होती है, बट इसमें ए मिनिमल सेट, मिनिमल सेट मतलब यहां पे दो का यूज किया है, तीन का यूज किया है, चार का यूज कर सकते हो कैंडिडेट की में, बट जितने हो सके उतने कम से कम एट्रीब्यूट का यूज करके कोई ऐसी की डिक्लेयर कर देते हैं, ऐसे की यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे, वो होती है आपकी कैंडिडेट की, कम से कम एट्रीब्यूट का यूज करके, जैसे लाइक रोल नंबर है, स्टूडेंट एड्रेस है, इन दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक कैंडिडेट की भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैपिंग कोऑर्डिनेटिव कांस्टेंट, तो मैपिंग यानी कि इसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले बताया मैनी टू वन, एक से ज्यादा की और जो रिलेशनशिप होता है वो बताया गया है, तो एक स्टूडेंट कैन बी इन वन क्लास, वन टू वन, मैनी टू वन, मैनी यानी कि स्टूडेंट खूब सारे हो सकते हैं, उन सब की एक क्लास हो सकती है, तो स्टूडेंट टू क्लास, तो मैनी टू वन रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी यानी सब्जेक्ट खूब सारे हैं, स्टूडेंट भी खूब सारे हैं, तो सब्जेक्ट टू स्टूडेंट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू वन यानी एक टीचर का रिलेशन एक सब्जेक्ट के साथ होता है, तो सब्जेक्ट टू टीचर, ठीक है। और इस तरीके से ये रिलेशनशिप हैं, इनके डायग्राम यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट, तो पार्टिसिपेंस जो टोटल एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।